नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के सामने गाजर का हलवा लेकर आई हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही अच्छे बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह का गाजर का हलवा बनाकर खाने के लिए चलिए मेरे साथ। देखिए, मैंने क्रीम से इसे सर्व ये किया है, डेकोरेट किया है, कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे को बहुत ही इसके तरफ आकर्षित हो गए खाने के लिए। जो बच्चे को नहीं भी पसंद होगा वो भी खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे, इतना अच्छा लगेगा। इस तरह से ये मैंने घर का क्रीम यूज किया है इस तरह से बनाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ आपको गाजर का हलवा कैसे बनते हैं। फटाफट कुकर में देखिए, क्रीम को मैंने इसमें मिला दिया। अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा क्रीम। और बच्चे को इसे डिजर्ट के रूप में दीजिए, खाएगा खाने के बाद बहुत ही चाव से खाएगा, बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। इसमें कुछ गाजर है जो कि आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, मिल्क है जिसमें प्रोटीन रहता है, और क्रीम है, ये सभी फ़ायदेमंद होते हैं। तो बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद से खाएंगे गाजर का हलवा, मांग मांग कर इस तरह से बनाइएगा। और ये कुकर में बनाया है मैंने, तो बहुत ही कम समय में कुकर में बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल लग रहा है खोआ इसमें डाला हुआ, इस तरह से बना हुआ है। तो इस तरह से बनाने के लिए चलिए मेरे साथ अभिलाषा के किचन मैं बताती हूँ आपको। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ आपको गाजर का हलवा कुकर में फटाफट कैसे बनते हैं। और इसमें कुछ मेरे सीक्रेट टिप्स हैं जो पूरा वीडियो देखिएगा तो ही पता चलेगा, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा। बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनकर तैयार होता है इस तरह से। तो आज मैं गाजर का हलवा इंस्टेंट बनाने जा रही हूँ कुकर में, बहुत ही फटाफट। तो देखिए, मैंने गाजर ले लिया है, ये लगभग 1.5 kg के लगभग है। ये ठंड वाले गाजर है जो लाल वाले आते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट इसके गाजर का हलवा बनते हैं। तो मैंने ले लिया, इससे मैं इसे छील लूँगी। देखिए इस तरह से मैं छील लूँगी, छीलने से सभी को। मैंने इससे पहले ही धोकर अच्छे से इसको पानी पोंच कर सुखा दिया था, वॉश करके। अब मैं इसका छिलका हटा कर इसे घस लूँगी ग्रेटर से, इससे देख रहे हैं। देखिए इस तरह से मैंने गाजर को घस लिया है, 1.5 kg गाजर। अब मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पे, गैस को हाई फ्लेम पे कर दिया है, देख रहे हैं। तो मेरा कुकर गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी। मैंने 3 चम्मच यहाँ पर घी ले लिया है, ये शुद्ध देसी घी है गाय का, इसे मैंने घर पर निकाला है छाली से। आप वीडियो मैंने डाला हुआ मेरे चैनल पे, आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं। इसको गर्म कर लूँगी मैं। तो देखिए घी मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा 1/2 चम्मच, ऐसे चटकने दूँगी। जीरा मेरा चटक चुका है, तो इसमें मैं अब डाल दूँगी जो मैंने गाजर घस कर रखा था, उसको मैं डाल दूँगी। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम कर दूँगी और इसे थोड़ी देर में भूनूँगी गाजर को। देखिए मेरा गाजर कितने अच्छे से भून चुका है कुकर में, मैंने 4 से 5 मिनट इसे भूना है। अब इसे स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 1 गिलास दूध है, इसे मैंने इस गिलास से 1 गिलास लिया है, गर्म कर लिया है, यहाँ का सुसुम दूध है। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी ढक्कन। तो कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है और गैस को हाई फ्लेम कर दिया है, देख रहे हैं। अब मेरा कुकर जब 3 सीटी दे देगा तो मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसका गैस निकल जाएगा कुकर का, तो मैं ढक्कन खोलूंगी, फिर आगे का प्रोसेस मैं दिखाऊंगी। देखिए कुकर सीटी मार चुका है, अब मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है जब इसका गैस निकल गया, तो और फिर से गैस पे मैंने इसे चढ़ा दिया है, देख रहे हैं कितने अच्छे से पक चुका है मेरा गाजर। इस स्टेज में मैं इसमें 1 गिलास और दूध डालूंगी, 1 गिलास इस गिलास से मैं फिर से दूध डाल रही हूँ, देखिए इनका सुसुम है। अब मैं गैस के हाई फ्लेम करके इसे अच्छे से पकाऊंगी गाजर को। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है मेरा गाजर दूध में, तो मैं इसे पूरा दूध इसका सुखा दूंगी, जब तक सूखता नहीं है तब तक अच्छे से, तब तक मैं इसे पकाऊंगी। गैस को हाई फ्लेम पर रखूंगी क्योंकि गाजर मेरा पक चुका है, इसका मिल्क सुखाना है। बीच में चलाते हुए मैं इसका पूरा पानी सुखा दूंगी।
देखिए कितने अच्छे से दूध सूख रहा है, लगभग सूख चुका है, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैंने लिए हैं बादाम, काजू और किशमिश है, मैंने कट कर लिया अच्छे से। ये इलायची पाउडर है, इसे मैंने मिक्सी में क्रश किया था और छिलके भी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और सबसे सीक्रेट मेरा ये सौंफ पाउडर मैं डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गाजर के हलवे का। इन सभी को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, देख रहे हैं सभी को मैंने डाल दिया अच्छे से। अब मिला दूंगी, मिला के अब मैं पूरा इसका दूध सुखा दूंगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे, बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुकर में, दूध के साथ सब हो जाता है। देखिए कितना अच्छे से मिल्क सूख गया मेरा पूरा, और गाजर का हलवा तैयार हो गया है, बिल्कुल लग रहा है कि खोआ इसमें डाला हुआ उस तरह से। तो इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक चम्मच और घी, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है गाजर के हलवे का। और इसे डाल के मैं अच्छे से मिला दूंगी, और मिलाने के बाद मैं एक मिनट इसे भी भूनूंगी घी डालने के बाद, ताकि पूरे गाजर में मिल जाए। देखिए एक मिनट हो चुका है, मैंने मिला दिया घी को, अब मैं गैस को ऑफ करूंगी और इसे सर्व करूंगी। देखिए फटाफट कैसे मेरा गाजर का हलवा बन गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगा है इसको बनाने में, 25 मिनट पूरा पूरी लगा है, और मेरा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। अब चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ। तो सर्व करने से पहले मैं इसमें ऐड करूँगी इस कटोरी से एक कटोरी चीनी, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, और कम मीठा पसंद हो तो एक कटोरी काफ़ी है। मैं इसे मिला दूंगी, मेरा ये बिल्कुल अपना यूनिक टिप्स है, चीनी लास्ट में डालना चाहिए, अधिकतर लोग चीनी पहले डालते हैं लेकिन मैं लास्ट में डालती हूँ। जो लोगों को चीनी ना पसंद हो वो गुड़ भी डाल सकते हैं इसके जगह पे, लास्ट में डालने से चीनी बहुत ज़्यादा जलता नहीं है, जिससे चीनी से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होंगे। लास्ट में डालिए और थोड़ा देर पका कर 1 से 2 मिनट निकाल लीजिए, चीनी अपने आप गल जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो मैं 1 से 2 मिनट इसे पकाऊंगी। अब देखिए कितने अच्छे से मेरा चीनी मिल गया है, तो पानी भी थोड़ा छोड़ दिया है, तो मैं थोड़ा इसे पका रही हूँ। देखिए 2 मिनट हो गया है चीनी को डाले हुए, अब मैं गैस को बंद करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, चीनी जब दांतों के नीचे आएगा गाजर के हलवा में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं अब इसे सर्व करती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा से तैयार हो गया है मेरा गाजर का हलवा, इसे मैं सर्व कर रही हूँ। एकदम आजकल ठंड का सीजन है, इसमें गाजर एकदम रेड रेड आते हैं, तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। और गाजर बहुत ही फायदेमंद होता है आँखों के लिए, तो गाजर तो हर किसी को खाना चाहिए, और ठंड में गाजर का हलवा तो ज़रूर ही खाना चाहिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए इस तरह से गाजर का हलवा आप बच्चों को डिजर्ट के तौर पे खाने के बाद दीजिए, बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे, या बच्चे का बर्थडे पार्टी हो उसमें दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा से मैंने इसमें अभिलाषा किचन क्वीन लिखा है, क्रीम से मैंने घर की क्रीम का बनाया है ये, ऐसे लिखा है। आप इसे बर्थडे पार्टी में बनाकर बर्थडे में बच्चे का नाम भी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे, बच्चे या बड़े हर कोई बहुत ही पसंद से खाता है। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।